पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्मी हीरोइन अंजुमन शाहीन, जिसने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर 3 दहाइयां राज किया। अंजुमन जी अपने प्रोफेशनल कैरियर में जितनी कामयाबी समेटी, वैसी कामयाबी जाती जिंदगी में हासिल ना कर सकी। अंजुमन जी की जोड़ी 2 बार हकीकी जिंदगी में टूटी और 1 बार फिल्मी जिंदगी में। आप कह सकते हैं कि अंजुमन जी 3 बार तन्हा हुई। फिल्म चर अंजुमन ने अपने फिल्मी सफर का आगाज 1976 से किया। पहली फिल्म का नाम खौफनाक था। अंजुमन जी की जोड़ी पंजाबी फिल्मों के बादशाह सुल्तान राही के साथ बहुत मशहूर हुई। दोनों को हकीकी जिंदगी में भी पसंद किया जाने लगा। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अटैच थे, लेकिन ये अटैचमेंट और प्यार दोस्ती व बाहमी इज्जत का था। दोनों ने दर्जनों फिल्में इकट्ठी की। अपने कैरियर के अरूज पर 1987 को अंजुमन जी की पसंद की शादी असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स मुबीन मलक से हुई, जिसमें से अंजुमन जी के 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। अंजुमन जी की फिल्मी जोड़ी जो सुल्तान राही के साथ थी, इस जोड़ी की अहमियत भी हकीकी जिंदगी की जोड़ी से कम नहीं थी। और ये जोड़ी 9 जनवरी 1996 को किंग ऑफ पंजाबी फिल्म सुल्तान राही के कत्ल से खत्म हो गई। सुल्तान राही की इस दुनिया से जाने की देर थी कि अंजुमन जी ने भी फिल्मों को खैरबाद कह दिया, क्योंकि सुल्तान राही के बगैर अंजुमन नामुकम्मल थी। और फिर अंजुमन अपने शौहर और बच्चों के हमराह इंग्लैंड चली गई। वहां कई साल गुजारने के बाद जब वापस आई तो 16 अक्टूबर 2013 को अंजुमन के हकीकी जीवन साथी मुबीन मलक को भी कत्ल कर दिया गया। यूं अंजुमन हकीकी जिंदगी में भी तन्हा रह गई, और ये दुख पहले दुख से भी ज्यादा था। अंजुमन जी ने अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाई और तमाम बच्चों को वेल सेटल्ड किया। बच्चों की शादी कर दी और बच्चे बैरून मुल्क अपनी अपनी जिंदगी गुजारने लग गए। अंजुमन ने पाकिस्तान में ही रहने का फैसला किया। बच्चों के चले जाने से अंजुमन जी एक बार फिर तन्हा हो गई थी। अपनी तन्हाई और जमाने की बातों से बचने के लिए अंजुमन जी ने एक बार फिर शादी करने का फैसला किया, और इस सोच के साथ कि बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा, बाकी ईमानदार जिंदगी गुजारने के लिए जीवन साथी मिल जाएगा जो हर दुख सुख में साथ होगा। अंजुमन जी का अपनी दूसरी शादी के बारे में क्या कहना था, जरा सुनिए। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मैंने शादी की, निकाह हुआ मेरा मियाँ वसीम अहमद उर्फ लकी अली साहब से। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये फ़ैसला इसलिए किया क्योंकि अल्लाह के नज़दीक और हमारे मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरा हक बनता था, क्योंकि माशाल्लाह मेरे बच्चे जवान हो गए शादियाँ वाले से, क्योंकि लोनली फील कर रही थी कि ज़िंदगी अकेली तन्हा किस तरह से गुजरेगी। और आपको पता है हमारा मुआशरा, हमारा कल्चर ऐसा है जिसमें औरत को किसी के अक्द में रह के ज़्यादा इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजार सकती हो। तो मैंने अपने हिसाब से यही सोचा कि दुनिया की बुरी निगाहों से भी बच जाऊंगी और अच्छे से इज़्ज़त से मैं अपनी ज़िंदगी गुजार के इस दुनिया से जाऊं। ये शादी वसीम उर्फ लकी अली से जून 2019 में हुई थी, लेकिन अफसोस अंजुमन जी की दूसरी शादी 1 साल भी ना चल सकी। गुज़िश्ता रात मालूम हुआ कि अंजुमन जी की दूसरी शादी का इख्तिताम तलाक की सूरत में हो चुका है, और किस्मत ने एक बार फिर अंजुमन जी को तन्हा कर दिया। ना उम्मीदी गुनाह है, अल्लाह पाक का हर फैसला यकीनन हमारे लिए बेहतर है, और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इससे भी कुछ बेहतर करेगा। अगर आप अंजुमन जी को कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।